बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम कोठारी हाल ही में सुपर डांसर चैप्टर 4 में नजर आए थे। शो में गोविंदा और नीलम कोठारी ने अपने हिट गाने आपके आ जाने से पर कमाल का डांस किया और उन सारी पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया जो उनके रिश्ते से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी नीलम और सुपरहिट एक्टर गोविंदा से जुड़ी ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दरअसल बात है साल 1986 की। उस वक्त गोविंदा फिल्मों में एंट्री पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे जबकि नीलम कोठारी की तब एक फिल्म आ चुकी थी। साल 1986 में फिल्म इल्जाम के लिए दोनों को एक साथ साइन किया गया। ये वही फिल्म थी जिसके सेट पर गोविंदा ने नीलम कोठारी को पहली बार देखा था और देखते ही रह गए थे। एक्टर गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा थे, उन पर जा न्योछावर कर चुके थे। गोविंदा नीलम पर इस कदर मर मिटे थे कि उन्होंने उनकी जवानी फिल्म कई बार देखी। गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम कोठारी से बे इंतहा प्यार हो गया था, पहली नजर का प्यार, और वो भी एक तरफा। एक तरफा इसलिए क्योंकि इस बारे में नीलम को तो कुछ पता ही नहीं था। गोविंदा नीलम कोठारी के साथ शादी करने के सपने देख रहे थे पर उन्हें ये भी मालूम था कि उनके और नीलम के बीच परवरिश और बैकग्राउंड का बहुत बड़ा फासला है। एक्ट्रेस फॉरेन ब्रिटेन थी और काफी ज्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, पर जब प्यार किया तो डरना क्या। उस वक्त के साथ नीलम को भी एहसास हो गया कि वो भी गोविंदा से प्यार करने लगी है और फिर उन्होंने अपने स्टेटस से लेकर बैकग्राउंड तक के फर्क को एक तरफ रखा और एक दूसरे को अपना लिया। दोनों दोस्त बन गए, काफी अच्छे दोस्त बन गए और ढेर सारा वक्त एक साथ बिताने लगे। साथ फिल्में देखने से लेकर डिनर करने तक गोविंदा और नीलम कोठारी की मुलाकातें यूं ही बढ़ती गईं। वेल, स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि वो जितनी बार भी नीलम से मिलते हैं उतना ही और ज्यादा उनसे प्यार करने लगते हैं। गोविंदा का कहना था कि नीलम एक ऐसी लड़की है जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वेल, गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि उन्हें नीलम को देखते ही प्यार हो गया था। उस वक्त नीलम व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर उनके सामने आई थी जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और बस उसी दौरान गोविंदा का दिल नीलम पर आ गया। लेकिन उसी समय गोविंदा सुनीता को भी डेट कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीलम के लिए गोविंदा ने सुनीता के साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी थी जिस पर उस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा था। गोविंदा चाहते थे कि वो नीलम से हर हाल में शादी कर ले और उन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना ले। लेकिन उनकी माँ यानी कि गोविंदा की माँ अपनी जुबान की पक्की थी और वो सुनीता को अपनी जुबान दे चुकी थी और गोविंदा को अपनी माँ की बात माननी पड़ी और उन्होंने नीलम से अपना रिश्ता खत्म करके सुनीता आहूजा से शादी कर ली। बता दें कि सुनीता गोविंदा के मामा की साली हैं जिनसे एक्टर ने बाद में शादी कर ली थी। गोविंदा सुनीता से शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन क्या पता था कि हालातों के कारण उन्हें झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कमिटमेंट करने के चक्कर में गोविंदा की जिंदगी दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ सुनीता के प्रति कमिटमेंट। गोविंदा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे इसलिए गोविंदा ने अपनी माँ की इज्जत रखी और उनका सम्मान करते हुए उन्होंने उसी लड़के से शादी करी जिससे उनकी माँ चाहती थी। सिर्फ गोविंदा ही नहीं बल्कि उनके पिता भी ये चाहते थे कि वो नीलम कोठारी से शादी करे, पर माँ ने उन्हें सुनीता से किया वादा याद दिला दिया और उसका वास्ता देते हुए कहा कि उन्हें सुनीता से ही शादी करनी चाहिए। खैर, गोविंदा ने अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए सुनीता से 11 मार्च 1986 को एक मंदिर में शादी कर ली। ये शादी काफी ज्यादा सीक्रेट लिखी गई थी। उन्होंने अपनी इस शादी की बात को लगभग एक साल तक सबसे छुपा कर रखा। इस बारे में गोविंदा ने एक्ट्रेस नीलम कोठारी तक को नहीं बताया था जिसका उन्हें आज तक मलाल होता है। गोविंदा ने कहा था कि नीलम को उनकी शादी के बारे में एक साल के बाद पता चला था। उन्होंने इसलिए उन्हें नहीं बताया क्योंकि वो उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहते थे जो कि इतनी हिट थी। इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि गोविंदा और नीलम एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधेंगे। यहां तक कि गोविंदा और नीलम कोठारी के फैंस भी उन्हें ऑफ स्क्रीन देखना चाहते थे। लेकिन गोविंदा की शादी जब सुनीता से हुई तब ये ख्वाब टूट गया और सभी हैरान रह गए जब उन्हें ये मालूम चला कि गोविंदा ने नीलम कोठारी से नहीं बल्कि सुनीता आहूजा से शादी की है, उनके साथ साथ फेरे लिए हैं। गोविंदा ने ये बताया कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल वजहों से नीलम के साथ अपने पर्सनल रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर दिया, उनके साथ गंदा खेल खेला। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी हो चुकी
होती तो सही रहता, लेकिन गोविंदा ने सालों तक ये बात नीलम और अपने फैन से छुपाए रखी क्योंकि वो अपनी फैन फॉलोइंग कम नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये बात ज्यादा वक्त तक छुपी नहीं रह सकी और जब नीलम को गोविंदा की शादी का सच मालूम हुआ तब उन्होंने गोविंदा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। गोविंदा और नीलम कोठारी का जब ब्रेकअप हुआ तब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान नजर आए। दोनों को दोबारा कभी किसी और फिल्म में एक साथ नहीं देखा गया। इसके बाद नीलम ने फिल्म हम साथ साथ हैं में सलमान खान की बहन का रोल निभाया था। इसके अलावा वो एक था राजा, एक लड़का एक लड़की, इल्जाम, सिंदूर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। लेकिन गोविंदा के साथ की हुई फिल्मों के बाद नीलम का इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त तक सिक्का नहीं चला और वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गई। हालांकि फिल्म हम साथ साथ है के दौरान नीलम को अपना लाइफ पार्टनर जरूर मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, टीवी और बॉलीवुड एक्टर समीर सोनी और नीलम की लव स्टोरी इसी फिल्म के दौरान शुरू हुई और दोनों ने फिर शादी कर ली। आज भले ही गोविंदा और नीलम कोठारी एक साथ ना हो लेकिन दोनों को हाल ही में सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पर एक साथ देखा गया था जहां दोनों की वही पुरानी वाली बॉन्डिंग नजर आई। वह गोविंदा ने हमेशा नीलम के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा है कि वो हमेशा नीलम को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन इस पर नीलम ने कभी बयान नहीं दिया है। खैर, नीलम और गोविंदा की खूबसूरत जोड़ी जितनी ऑन स्क्रीन पसंद की जाती थी उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी। जब सालों बाद दोनों एक साथ नजर आए तब नीलम कोठारी थोड़ा सहमी हुई थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल थी कैमरा के सामने, लेकिन गोविंदा ने उन्हें बहुत अच्छे से संभाला, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया और सुपर डांसर चैप्टर 4 में दोनों की जोड़ी एक बार फिर से स्टेज पर नजर आई तो सभी उन्हें एक बार फिर से किसी और फिल्म में देखने की चाह करने लगे। वेल दोस्तों, आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी की खूबसूरती और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की लव स्टोरी को लेकर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।